हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैरिड इन ओवरसीज आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोग्राम है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू गेट इनटू दिस प्रोग्राम द प्रोग्राम इज़ एमबीए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोग्राम है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मास्टर्स करने के लिए जाते हैं वो एम प्रोग्राम ही देखते हैं और अगर आप ऑस्ट्रेलिया से एम करते हैं तो वो आपके लिए कैसे बेनिफिट होता है आज हम इसको डिस्कस करते हैं सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ हैव गुड रैंकिंग इन क्यू एस फॉर एम प्रोग्राम टॉप थ्री यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स एंड मैक्यूरी यूनिवर्सिटी इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ के एम प्रोग्राम बहुत ही प्रोमिनंट है नेक्स्ट यू विल बी गेटिंग फ्लेक्सीबल टाइमिंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है आप पार्ट टाइम भी स्टडीज़ कर सकते हैं और फुल टाइम भी स्टडीज़ कर सकते हैं अगर आपने एम बी ऑस्ट्रेलिया से करते हैं तो यह आपका करियर भी एनहेंस करता है आपको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है टू गो फॉर योर पार्ट टाइम जॉब एंड टू गो फॉर योर फुल टाइम जॉब एज वेल सिंस मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ गिव यू एकडिएशन ऑल्सो सो बिजनेस एकेडिएशन भी आपकी डिग्री के साथ जुड़ा है जैसे एमबा एक्विस और ए सी बी एस एस वेल डिजाइन प्रोग्राम द कोर्स इज वेल डिजाइंड एम बी ए प्रोग्राम जो ऑस्ट्रेलिया में आपको स्टूड यूनिवर्सिटीज डिलीवर करती है दैट इज़ वेल डिजाइंड इट इज हैज कंपोनेंट ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सो so, जो भी आप स्टडी करते हैं वो आप प्रैक्टिकल भी करते हैं इन सिंस आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है पार्ट टाइम जॉब की तो जो भी आप स्टडी कर रहे हैं जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं सेम आप अप्लाई कर सकते हैं इन टू योर पार्ट टाइम जॉब एज वेल फाइव मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटीज़ फ़ॉर एम बी ए प्रोग्राम दैट आर यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ क्विंसलैंड मैक्योरी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स एंड मोनैश यूनिवर्सिटी एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर एम बी ए प्रोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर ग्रैड्स सो अंडर ग्रैड्स में आपका मिनिमम फाइव सी से लेकर सेवन सी तक होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस यस अगर आप प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज से एम करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम थ्री टू फाइव ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एट अ मैनेजरल लेवल एम एडमिशन के लिए जी आर स्कोर भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होते हैं फॉर सर्टन यूनिवर्सिटीज़ एज यू नो कि हर एक यूनिवर्सिटी में एम के लिए जी आर स्कोर नहीं चाहिए बट अगर जिस यूनिवर्सिटी में जी आर स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है तो डेट स्टार्ट फ्रॉम सिक्स टिल सिक्स अब हम इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात करते हैं इंग्लिश रिक्वायरमेंट वही है ओवरऑल सिक्स पॉइंट फाइव लेस देन सिक्स फॉर आयल्स पी टी ओवरऑल फिफ्टी एट नोबेंड लेसन फिफ्टी फोर एंड टॉफल इज हंड्रेड एम बी ए के एक्सपेंसिस कैसे होंगे ऑस्ट्रेलिया में एक्सपेंसिस दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं ट्यूशन फीस और लिविंग ट्यूशन फ़ीस मिनिमम स्टार्ट होती है फिफ्टी थाउजेंड ए से और ये जाती है एटी फाइव थाउजेंड ए यू डी पर ईयर डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी लिविंग एक्सपेंसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम रहते हैं ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर्टी वन ए डी पर ईयर वहीं अगर हम जब अपनी सक्सेसफुल डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं सो एवरेज सैलरी जो हम एज एन एम बी ए स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ वन लैख फोर थाउजेंड ए यू डी पर ईयर सो स्टूडेंट्स जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं अपने फर्स्ट टू इयर्स ऑफ एडुकेशन में वो आप अपना ईजीली रिकवर कर सकते हैं एज सुन एज यू गॉट अ फुल टाइम जॉब इस टॉपिक से रिलेटेड या ऑस्ट्रेलिया स्टडी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है सो आप हमें पिंग कर सकते हैं वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और आप हमसे इन पर्सन आके भी सकते हैं वी आर गिविंग फ्री काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स टू गेट मोर अपडेट्स ऑन स्टडी ऑस्ट्रेलिया लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चनल एंड डोंट फॉर्गेट टू प्रेस बेल आइकन थैंक यू